हेलो स्टूडेंट्स। तो भारतीय संविधान के अंदर हमने कल नागरिकता के बारे में देखा था लास्ट, ठीक है। तो संविधान का भाग दो जो है नागरिकता के बारे में बताता है, इसमें अनुच्छेद है 5 से 11 तक। तो आज देख लेते हैं नागरिकता अर्जित करने के तरीके, ठीक है। तो एक तो है जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। तो देखो, 26 जनवरी 1950 से 1986 के मध्य भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होता है। फिर 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। फिर क्या बोला गया, कोई व्यक्ति तब नागरिक होगा यदि माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तभी उस जन्मे हुए बच्चे को भी मिलेगी। पहले हो जाता था, ठीक है, बिना माता पिता के भी नागरिक हुए, लेकिन 1986 में इसी कारण से संशोधन किया गया। इसके अलावा देखो, देशीयकरण द्वारा नागरिकता है ना, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, अगर हमारा पहले से यहाँ वंश चल रहा है, पंजीकरण द्वारा, अब कोई रजिस्ट्रेशन कराए मतलब अप्लाई करता है तो उसका है ना पंजीकरण कर दिया जाता है। फिर ये देखो, अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा, अर्जित भूभाग मतलब या तो हमने कुछ जीत लिया किसी देश से या उससे बदल लिया, जैसे अभी ये बांग्लादेश और भारत ने आपस में क्या है गांव का हस्तांतरण किया था, तो जो बांग्लादेश की आबादी हमारे हिस्से में आ गई तो वो गांव क्या है भारत के नागरिक बने फिर, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, इसको बोलते हैं नागरिकता लोप। लोप मतलब हटना, कम हो जाना, छुपना। तो नागरिकता लोप निम्न कारणों से हो सकती है, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, या तो हम कहीं दूसरे देश के नागरिक बन जाएं तो यहाँ की खुद ही हट जाएगी, या नागरिकता का परित्याग करने पर, हम खुद ही अपनी इच्छा से त्याग दें, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार भी नागरिकता को छीन सकती है, ठीक है। इतने तरीकों से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो जो देखो, जिनके माता पिता और या उनके पूर्वज पहले से है ना हम यहाँ पे हैं भारत में, तो उनको कोई अलग से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं होती, वो बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो मूल अधिकार का टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आप जानते ही हो कि ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से लिए गए, लेकिन इनका उद्गम कहाँ से हुआ वो भी पढ़ेंगे हम। तो हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद बोलते हैं 12 से 35 तक। देखो, मौलिक अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हमारा बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक विकास तभी हो सकता है जब हमें मौलिक अधिकार अपने पूरी तरह मिल रहे हों। तो देखो, मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास हुआ विश्व में वो ब्रिटेन में हुआ। तो सन 1215 यानी कि आज से लगभग 800 साल पहले, सन 1215 में वहाँ के जो सम्राट को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए वहाँ की जनता ने बाध्य कर दिया। तो इस प्रकार ब्रिटेन के लोगों को क्या हुआ, 1215 में ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, इसीलिए ब्रिटेन इतना आगे निकला है ना। जब बाकी देशों में सभ्यता भी नहीं थी तो ब्रिटेन के नागरिकों ने मौलिक अधिकार राजा से मांग लिए। अब आगे देख लेते हैं, देखो भारत में है ना मूल अधिकारों की मांग किस प्रकार उठी, उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहली जो मांग है, देखो संविधान विधेयक आया था 1895 में, उसमें मूल अधिकारों को मांगा गया है ना। उसके बाद क्या था, देखो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पास किया, तो उसके द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई, ठीक है। तो एक तो देखो 1895 का संविधान विधेयक, उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, फिर देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने है ना मूल अधिकारों की मांग की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इस समय सरदार पटेल अध्यक्ष थे, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। फिर इसके बाद 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू जो थे, उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए, तो ये एक मांग रख दी इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान परिवर्तन के समय, प्रवर्तन क्या होता है, लागू करना, इन्फोर्समेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फोर्समेंट परिवर्तन, प्रवर्तन हो गया है, ठीक है। परिवर्तन तो होता है देखो बदलाव, प्रवर्तन लागू करना। तो संविधान प्रवर्तन के समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक बना दिया गया, विधिक मतलब कानूनी, और इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत स्थान दिया गया है।
संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक के अंदर था अब 300A में है और विधिक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखो, मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन हो जाए तो न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, तो ये पुनरावलोकन की शक्ति है। अब ये कहाँ से लिया हमने, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 13(2) है ना, 13 के ब्रैकेट में 2 है, इसमें क्या लिखा है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम कर दे। इससे देखो काफी इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगती है कि मूल अधिकारों को बदला तो जा सकता है लेकिन उनको कम नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों में संशोधन कर उन्हें बढ़ाया जा सकता है, यानी मूल अधिकार ज्यादा दिए जा सकते हैं लेकिन जितने पहले से हैं उनको घटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब आपको एक लाइन याद रखनी है कि मूल अधिकारों में नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता, सकारात्मक हो सकता है, जो नया मूल अधिकार दे सकती है सरकार कोई, ठीक है ना, संसद कानून बनाकर, लेकिन पहले से जो मूल अधिकार है उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो समानता के अधिकार की बात कर लेते हैं, एक टॉपिक इसका लेते हैं फिर इसके बाद कल होगा। तो देखो समानता का जो अधिकार आता है वो 14 से 18 अनुच्छेद है उसमें, ठीक है। देखो अनुच्छेद 14 में क्या आता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है। अब इस टर्म को किस तरह लिया जाता है, देखो विधि के समक्ष समानता, ये पद ब्रिटेन से लिया गया, इसका मतलब सभी व्यक्ति विधि के अधीन है, कानून के अंदर है सब, यानी कानून से बड़ा कोई नहीं है, और वो विधि क्या है, जैसे इस विधि को न्यायालय लागू करता है, इसी से मिलता जुलता देखो पद क्या है, कानून का समान संरक्षण, ये था विधि के समक्ष समानता, यह है कानून का समान संरक्षण। तो ये पदावली अमेरिका से ली है, तो थोड़ा सा अंतर है देखो। अब कानून का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, समान परिस्थिति में व्यक्ति को समान संरक्षण मिलेगा, ठीक है। अगर दो व्यक्तियों को एक ही परिस्थिति में गिरफ्तार किया गया तो उनको समान मूल अधिकार भी दिए जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया विधि के समक्ष समानता होगी, ठीक है। इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद ये 15, 16, 17, 18 इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मूल अधिकार समाप्त कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।